अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अज एक वड्डी कार्रवाई करदे हुए हैरोइन समेत तीन मुलजमान नूं गिरफ्तार किया। पाकिस्तान तो लगातार हैरोइन मंगवा रहे सी। इस तो बाद अज अमृतसर के पुलिस कमिश्नर सरदार गुरप्रीत सिंह भुल्लर होणा ने जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस इत्थे अज कीती है, असीं गलबात जिहड़ी है करदे हां। सी बी साहब साढ़े नाल ने, तां तीन केस ने जिन्हां दे विच इक वेरके वाला केस बड़ा महत्वपूर्ण सी, पर सब तो पहला जिहड़े साडे देश नूं लगातार पाकिस्तान तो हैरोइन मंगवाई जा रही है, तां सी बी साहब इन्हां ने ट्रेंड शुरू किया। पहला थोड़ी थोड़ी मंगवाउंदे सीगे, फिर एकदम इन्हां नूं पता जिवें जिवें खुलदे गए तां जदों वड्डी खेप मंगवाई तुसीं इन्हां नूं धर लिया, तां इह सारी गिरफ्तारी किवें होई और किवें टीमां ने चेस किया जी? देखो जिहड़ा 5 किलो हैरोइन नूं मैं बड़ी वड्डी रिकवरी मंनदा, क्योंकि इह सारा नैटवर्क जिहड़ा पाकिस्तान बेस स्मगलर्स राहीं रन किया जा रहा, और जो मुढ़ली पुछगिछ तो पता लग्या कि पहला छोटी ड्रोन राही समान आउंदा रहा, फिर हुण वड्डी कंसाइनमेंट पहली बार मंगाई है, उन्हूं असी काबू किया और सारा नैटवर्क असी हुण समैश करना इन्हां दा, क्योंकि इहदे च जिहड़े इन्हां दे टैक्नीकल ते दूसरी एविडेंस है उहनूं इनवैसटीगेट किया जा रहा, और जिहड़े बाकी इन्हां दे लिंकेजेस ने जिन्हां नूं इन्हां ने अगे समान वेचिया जां होर किहड़े क्लाइंट आ उसे हैंडलर नाल जुड़े हुए पाकिस्तान वाले नाल, उन्हों भी असी ट्रेस करके उन्होंने अरैसट करांगे। सीपी साहब ये रहने वाले सरहदी खेत्र के सीगे, इस करके उन्होंने नाल संपर्क चाहे क्योंकि उस एरिए काफ़ी केस इस तरह के आ जाते हैं, जां कोई होर कारण? देखो कई फैक्टर्स आ जाते उस गल च, एक बंदे का अपना भी बेंट ऑफ माइंड भी हुंदा, दूसरा उहदे कोल स्पेस अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है बॉर्डर के नाल, उत्थे सेफ लैंडिंग करवा सकता अपने खेतों के विच बंदा, वो चीज़ा सारिया बड़िया इंपोर्टेंट रोल प्ले कर दी। ये सर आप की कारोबार करते और कितने चिर तो इस काम में जुड़े हैं? ये सारे है तो खेतीबाड़ी वाले ने और तकरीबन 6 महीने तो एक्टिव ने। तो सर इन्होंने कोलों की बरामद होया है? 5 किलो हैरोइन तो अलावा और की बरामद? 5 किलो हैरोइन के नाल जी 3.95 लाख जड़ा हैगा ड्रग मनी है जी, एक कार और एक मोटरसाइकिल। और सर एक मैं ये जानना चाहना कि ये जेडे पाकिस्तान तो एक तस्कर का भी नाम सामने आया जी, वो दस सको? देखो अली नाम का बंदा, पर आम ये नाम जेडे इन्हां कोल फेक ही हुंदे आ, तो एक बड़ा कॉमन जिहा नाम है अली। ओके, तो बट असीं उहदे ते सारा वर्क कर रहे हैं, उहदे होर नैटवर्क किहड़े किहड़े आ ते किहड़े बंदिआं नाल इन टच सीगा। साहब इन्हां दी अरैसट कित्थों कीता है? क्योंकि रहण वाले आउटर पोस्ट दे शहर दे विच वेचण आउंदे सी जां इन्हां दी ठार सी शहर दे? साडे कोल इनफॉर्मेशन आई सी शहर दे विच भी इह एरिए छाटे भी आ के कुछ ना कुछ समान दिंदे आ, सो उसे दे विच केस दर्ज करके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सानू इनफॉर्मेशन बेस्ड इन्हां दी अरैसट हुई है अजनाले तो। इस मामले सर होर भी तफ्तीश अगे जा सकदी, होर गिरफ्तारियां हो सकदी हैं जी इस मामले? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिहड़े पहलां इन्हां तो खरीद के, वो सारयां नूं असीं इक नूं टारगेट करांगे। सर जिवें त्यौहारां दा सीजन चल रहा जी, तां पुलिस दी गश्त भी वध रही आ, इन और पंचायती इलैक्शन भी सिर ते आ, और अजिहे दे विच तुसीं हथियारां दी इक खेप फड़ी है जी, वह मुलजमां बारे सानूं जानकारी दिओ कि वह कित्थों अरैसट कीते? देखो जिहड़ा ऑर्गनाइज्ड ते गैंगस्टर क्राइम दे खिलाफ असी बड़ा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी साढ़े मुख्यमंत्री साहब के देश से चल रही है, उहदे च ये 6 बंदे जिहड़े है गिरफ़्तार किए गए हैं, जिहड़ा मुख्य दोषी हैगा बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल है चीनी करके, और इहदा इंटर गैंग राइवलरी भी है गोपी महल गैंग ना, सो ये 6 बंदे जिहड़े इकट्ठे रीग्रुप हो रहे थे, और 3 पिस्टल्स ते 1 12 बोर की गन इन्हों तो मिली है, 4 वैपन टोटल मिले है, और ऑर्गनाइज क्राइम के अंडर इन्हों के खिलाफ असी मुकदमा दर्ज किया। मुढ़ली पुछगिछ तो यही पता लग्या कि अपना ग्रुप क्रिएट कर रहे सी, प्लस ड्रग वाले का झुकाव बहुत हो रहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नेड़े होने करके कोई ना कोई तरीके ड्रग ट्रेड के विच बंदा काफ़ी इनवॉल्व हो रहा है। मुढ़ली तो सर पुछगिछ कोई इस तरह का केस तो नहीं सामने आया कि इन्हें रीसेंट कोई वारदात प्लैनिंग कर रहा हो शहर के नहीं? यह जी कोई गल अजे सामने नहीं आई, बट डेफिनेटली ग्रुप जो तो बनता है जो किसी तरह की भी है उस तो बाद कोई ना कोई शरारत करन दा मन इहो जिहे क्रिमिनल दा हो जाता बेंट ऑफ माइंड, क्योंकि इहदा पिछोकड़ काफ़ी माड़ा है, पहला भी मर्डर एक्सटॉर्शन के काफ़ी मुकदमे दर्ज ने इहदे खिलाफ हीनियस क्राइम के, तो अस मैं इहनूं अच्छी कामयाबी मानदा, इहदे नाल कि काफ़ी ठल पएगी साडे एरिया। सर वैपन दस्से कित्थों मंगवाए सी इन्हां ने? इह अजे क्लीयर नहीं हुई गल, पर मोस्ट लाइकली इंटरस्टेट ही आउंदे जी, कदे मध्य प्रदेश या राजस्थान तो पिछे आपां देखिया, सो उस तरह का इन्हों के लिंक हो जाते, वो सारी चीज़ असं इनवैसटीगेट कर। सर आखिरी तुम वेरके का केस सगा, वो महिला की बड़ी हिम्मत उन्हें लुट की वारदात असफल कर दी सी, पर पुलिस ने भी उस दिन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, गिरफ़्तार उन्होंने कर लिया, किस जगह तो गिरफ़्तार किया और की इनका मकसद सी? देखो असी इनू बड़ा सीरीयसली लिया, क्योंकि सारा एक बड़ा स्ट्रीट क्राइम, एक गंदा इंप्रैशन जिहड़ा लोगों के समाज में डर पैदा करता है, यहोजा जो वायरल हो जाता है, तो वो असी इनू स्पैशलाइज टीम बना के
इन्हों पहले आइडेंटिफाई किया, फिर अज इन काबू किया गया। इन तो जोड़े चोरी करन दे औजार ने जिवें सब्बल वगैरह होर चीज़ा यह जी चीज़ा मिली हैं, वो असी इन पुछगिछ कर रहे हैं। हूँ इन्हों खिलाफ़ पहला भी चोरी तो स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज है, तो क्रिमिनल प्रवृत्ति के बंदे है, पर है थोड़े गरीब, इकोनॉमिकली गरीब ने, तो उस करके चोरी ही इन्हों का मंतव सामने आया। सर मेरा अगला सवाल ये, सर जिहड़े इन्हां को चोरी दे वैपन सी, एक जे घटना ना रुकती इन्हां को पुछगिछ की जा रही, क्योंकि खुद भी निछेड़ी जिवें दस्या होया ने, तो किसे भी एंड तक के वारदात नूं अंजाम दे सकदे सी किहड़े वाली जिहड़ी वेरका वाली कि महिला दी, क्योंकि दिन दा टाइम सीगा उहने भी देख लिया सीगा, और बेसिकली तां इन्हां दा काम सी चोरी दा ही परपस, कोई हार्म वाला गल तां नहीं सामने आई, क्योंकि है पैटी जिहड़े थीफ्स जिहनूं कहसे छोटे चोर ने। हासिल की है 5 किलो हैरोइन जी, क्रॉस बॉर्डर एक नैटवर्क चल रहा है, इस तो अलावा वेरका का केस भी ट्रेस होया, जिथे एक महिला के कोलों महिला ना लुट करने की कोशिश की गई थी, 3 मुलजम फड़े गए, इस तो अलावा भारी मात्रा के हथियार भी अमृतसर पुलिस ने बरामद किए हैं। कैस ऑपरेशन जो चल रहा है 3 बजे CP साहब उसके बारे भी जो है मीडिया ने जानकारी पुलिस वालों शेयर कर दी है। कैमरा परसन मुकेश बाबा के नाल गगनदीप शर्मा, दैनिक सवेरा TV अमृतसर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।